देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। वादकपुर धाम में अब भक्तों को मिलेगा जल चढ़ाने का अवसर। कोरोना की वजह से बंद थी व्यवस्था। बुंदेलखंड अंचल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में कोरोना कर्फ्यू समाप्ति के बाद भक्तों को मंदिर की दहलान में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, लेकिन भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन मंदिर के बाहर से ही करने को मिल रहे थे। अब नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई से भक्तों को मंदिर के अंदर दहलान में प्रवेश के साथ ही भगवान जागेश्वर नाथ को जल अर्पित करने का मौका पूर्व की तरह की गई वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार मिलने लगेगा। मंदिर कमेटी द्वारा कोरोना कर्फ्यू के पूर्व की तरह भक्तों को पाइप के माध्यम से जल अभिषेक करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, लेकिन गर्भगृह में अभी भी भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। मंदिर प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक पंडित रामकृपाल पाठक एवं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पंकज हर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के संकट को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में दर्शनार्थियों को प्रवेश बंद रहेगा। श्री जागेश्वरनाथ भगवान की जय। ये वर्तमान में कोरोना काल से आज दिनांक 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार से मंदिर में दहलान तक दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। सभी लोग सावधानी पूर्वक जल चढ़ा सकेंगे। जल चढ़ाने के लिए जैसे पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, उसी व्यवस्था के अनुरूप दर्शनार्थियों को जल चढ़ाने को और दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन दर्शनार्थियों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि कोरोना काल को देखते हुए अभी भी सावधानी की आवश्यकता है। मास्क लगा के आएँ, दूरी बना करके रखें और भक्ति भाव से भगवान जागेश्वरनाथ जी का दर्शन करें। जय जागेश्वरनाथ जी।